हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास सेवेंथ बुक रेनबो पर्ल्स एंड टुडे आई विल टीच यू द पोयम सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन मीन्स दैट इज द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी में वह सच्ची सुंदरता क्या है। ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिसे सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड कॉल्म डिजायर्स Heart with equal love combined, kindly never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Thomas Gray. देखिए, सच्ची खूबसूरती है आपस का प्रेम, क्योंकि जो खूबसूरती है वो समय के अनुसार घट जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो प्रेम रूपी जो सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंड। जैसा कि यहाँ पे इस पोयम में दिया हुआ है कि एक लड़का है, एक लड़की है, वो दोनों यंग हैं, अब वो दोनों का जो प्रेम है आपस में वो कैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। किसी वह उसके ये रोजी चिक्स मतलब गुलाब रूपी उसके गालों को ये को प्रेम करता है, उसके होठों को देखता है, उसकी जो ये जो टिमटिमाते हुए तारों के समान उसकी आँखों को देखकर और एक तरह से अपने प्रेम रूपी वो ऊर्जा को मेंटेन करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जबकि ये सभी आने वाले या समय बीतने पर ये सभी एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ऑल फ्रेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और ये सभी जो सुंदरता है वो सब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये दूसरे जो पोयम है, बट स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड जेंटल थाट्स, लेकिन समय के अनुसार जो जेंटल थाट्स वो एक तरह से उनका जो माइंड है स्ट्रीट फास्ट है उसी तरह से चलता रहेगा, शांत शांत भाव रहेगा। हर्ट विद द इक्वल लव कम्बाइंड, आपस में उनका जो प्रेम भी इक्वल रहेगा। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, वो कभी भी उनके जो प्रेम जो कि जो है आपस में स्नेह है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइट लवली चिक्स, यहाँ कोई मतलब नहीं है कि ये सुंदर चिक्स हो, होंठ हो और आँखें हों, ये तो केवल एक सुंदरता होना चाहिए, माइंड में सुंदरता होना चाहिए, बुद्धि में सुंदरता होना चाहिए। चार्मिंग तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो जो असली खूबसूरती है यहाँ पे जो थॉमस क्रीव ने बताया है कि वो ट्रू ब्यूटी है, वही सच्ची खूबसूरती है जो हम लोग अपनी अंतरात्मा से एक दूसरे से प्रेम में बंधे रहते हैं। इसको हम फिर आगे भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सो इस तरह से आप लोग इसको पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।